नमस्कार। दिवाली के फैंटास्टिक सीजन के बाद एक बार नए सिरे से हम लेकर आए हैं आपके स्मोक स्क्रीन इंडस्ट्रीज चैप्टर से नया टॉपिक स्टार्टअप इंडिया। मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर पर। तो स्टार्टअप इंडिया आज हम करने जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया मोदी सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं उनमें से एक योजना है, रिवोल्यूशनरी प्लान इसे बताया गया। मोदी सरकार जैसे कि 2014 में आई थी उनके कुछ महत्वाकांक्षी प्लान थे, उनमें से एक था स्टार्टअप इंडिया। बहुत जल्द आपकी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने दिल्ली के रेडफोर्ट से जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो इसकी अनाउंसमेंट की थी 15 अगस्त 2015, यानी कि लगभग 5 साल पहले। इस अनाउंसमेंट के बाद इस पर काम शुरू किया गया। इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये चीजें सोच विचार में नहीं योजना ही बनाई गई और फाइनली दिल्ली के विज्ञान भवन से 16 जनवरी 2016 दिल्ली के विज्ञान भवन से 16 जनवरी 2016 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा इसे क्या किया गया लॉन्च। फिर 17 फरवरी 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि स्टार्टअप इंडिया के अंदर किस तरह की फर्मों को हम रखेंगे। तो कौन कौन सी फर्में हैं जिन्हें स्टार्टअप इंडिया के अंदर रखा गया है, इन्होंने कहा 4 पॉइंट बताए। पहला कि कोई भी फर्म जिसे भारत के अंदर रजिस्टर किया गया है इनकॉर्पोरेट किया। दूसरा वो फर्म जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर होगी वो 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होगी, ठीक है, यानी कि अभी उसे कार्य करने को 5 साल से अधिक समय नहीं होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि एनुअल टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, ठीक है, 25 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, इससे कम आपका टर्नओवर मतलब सेल होना चाहिए और वो कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से किसी तरह की इनोवेशन में लगी हो उसे हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर रखें। तो एक्शन प्लान रहे, क्या एक्शन प्लान था, सिंपल नोटिफिकेशन रफली सब मैंने लिखा है आगे टॉपिक एक्शन प्लान के ऊपर ही है अगले वीडियो। क्या किया उन्होंने, जो बहुत सारे लाइसेंस राज हमारी इकोनॉमी को लाइसेंस राज डोमेन से जाना जाता था उसे अबोलिश करके नया बिजनेस शुरू करना का प्रोसीजर जो है सिंपल कर दिया गया जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। दूसरा हैंडहोल्डिंग क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नया बिजनेस शुरू करते समय, जो भी प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो एडवाइस से रिलेटेड है चाहे वो सजेशन से रिलेटेड है चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है उसमें सरकार उन स्टार्टअप्स का हैंड होल्ड करेगी अर्थात उन्हें शुरू करने में हेल्प। दूसरा फंडिंग सपोर्टाइजेशन, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को फंडिंग भी करेगी कुछ पैसे भी देगी और एज अ लोन प्रोवाइडर वाले सस्ते दरों पर उन्हें जो है फाइनेंस सुविधाएं दिलाएगी। तीसरा इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंटरप्रेशन, क्या इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है मिलजुल कर काम करना पार्टनरशिप के अंदर काम करना, ठीक है, या जो काम बिजनेस एस्टेब्लिश है पहले से उनके द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया है उनको इनकेबलेशन बोर्ड पर यानी कि मिलकर आगे बढ़ाने का भी फॉर्मेट इसमें बताया, ठीक है। जैसे कि कोई भी देश जो है वो डिपेंड करता है उस देश में रहने वाले लोगों पे, ठीक है, जितने ज्यादातर से देश में वर्किंग मैन एंड वुमेन होंगे काम करने वाले लोग होंगे
प्रगति के चांसेस उसके ज्यादा, उतने ही ज्यादा उस देश के क्या होंगे, प्रगति के प्रोग्रेस करने के चांसेस। और भारत में बहुत बड़ा जनसैलाब है, हम सभी जानते हैं वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और हमने 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज रियल पॉपुलेशन, ठीक है, डाटा के अनुसार हमारे देश में 65% जो लोग हैं वो रियल है। इट मीन्स वी हैव अ ग्रेट रिसोर्स ऑफ यंग पीपल। मोदी सरकार ने इसे पहचाना और उन्होंने उन सभी लोगों को क्या करने के लिए, काम में लाने के लिए स्टार्टअप स्कीम जो है शुरू की, जिसे रिवोल्यूशनरी स्कीम का नाम दिया गया था। मेन जो एम थे, फोकस था इस स्कीम में क्या था, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगे, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, और इसके अलावा जितने ज्यादा स्टार्टअप होंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो सभी किसमें अपनी हेल्प दे पाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी हेल्प दे पाएंगे, जीडीपी जनरेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। जितना जीडीपी होगा देश की ग्रोथ भी होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, कुल मिलाकर बात क्या है, देश जो है वो तरक्की की राह पर चले। इसमें कुछ पॉइंट्स का निर्देश है जो स्टार्टअप इंडिया के तहत मुख्य एम के तौर पर लिखा गया, टू ट्रिगर एंड कहने का मतलब क्या कि भारत देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एनवायरमेंट बना दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का एक एनवायरमेंट बना दिया जाए, जो लोग आज जॉब के पीछे दौड़ते हैं वहां पर नया बिजनेस खोलने से भी प्रॉफिट हो सकता है, उन लोगों के माइंड में ये बातें डालना, उन्हें एजुकेट करना, ठीक है, उन्हें पॉजिटिविटी लाना इस विचार में, सोशल वैल्यूज इसका एम था। दूसरा, टू क्रिएट अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि यूथ को स्टार्टअप इंडिया के थ्रू क्या करना, बताना कि हम जो है आपका हैंड होल्ड करेंगे, आपका बिजनेस शुरुआत कर देंगे, ठीक है, ताकि आप जो है पार्टिसिपेट कर सको जीडीपी के अंदर, अपना कंट्रीब्यूशन कर सको, आपकी जो फंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी जो स्टार्टिंग करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है जितनी भी, वो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, अर्थात इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी इसका एम था। तीसरा, टू इंक्रीज मोर डायनामिक स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को ज्यादा डायनामिक बनाने का मतलब क्या है, ज्यादा गतिशील बनाने का मकसद क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जब हेल्प मिलेगी, गवर्नमेंट के द्वारा जब उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जब फंडिंग की जाएगी, तो वो अपने आप को लिमिटेड ना रखकर जितना वो सोच सकते हैं उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, उस लेवल तक अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, बस आपके अंदर ताकत होनी चाहिए करने की और नया सीखने की, एजुकेशन लेने की, नॉलेज को इम्प्रूव करने की सरकार कहती है हम आपको हेल्प करेंगे, यानी कि हेल्प करेंगे। इसलिए जो स्टार्टअप है वो क्या हो गए, ज्यादा डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट है, टू सपोर्ट द अर्निंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या कहा, जो अर्ली फेज का स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी बिजनेस का, वो सबसे डिफिकल्ट होता है, वहीं पर एक व्यक्ति को ह्यूमन रिसोर्स की कमी फील होती है, वहीं पर फिजिकल रिसोर्स की कमी फील होती है, वहीं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, नए नए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने की आवश्यकता वहीं पर होती है, यानी प्रोसीजरल प्रॉब्लम फेस करता है। और गवर्नमेंट ने जहां पर आपको सपोर्ट किया है, जो बिजनेस का अर्ली फेज है, जो बिजनेस का स्टार्टिंग फेज है, उसमें आपको क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोशिश की है। तो ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में था, एक्शन प्लान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आज के लिए स्टार्टअप में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।